दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई है। ये खबर तो आपको सभी न्यूज चैनल्स ने दिखाई होगी, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मुमकिन है आपको शायद इसका इल्म हो। और खबर ये है कि दिल्ली चुनावों के नतीजे आने के साथ ही दिल्ली का शाहीन बाग लगभग खाली हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, आज सुबह से ही शाहीन बाग का धरना स्थल एकदम खाली पड़ा है। यहाँ इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर सियासत का वो शोर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, जिसकी गूंज बीते 50 दिनों से देशवासियों के कानों में गूंज रही थी। इससे पहले दिल्ली में 8 फरवरी यानी मतदान के दिन भी कुछ ऐसी ही चुप्पी पसरी थी। तब ये प्रदर्शनकारी वोटिंग करने चले गए थे और कुछ ऐसा ही मंजर आज भी देखने को मिल रहा है। मतगणना के चलते आज धरना स्थल पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, यानी आज शाहीन बाग शांत बैठा है। पूरे पंडाल में इक्का दुक्का लोग ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से यहाँ की सड़कें इस कदर जाम थी कि आने जाने में लोगों को परेशानियां होने लगी थी। वहीं चुनावी नतीजों के दिन यहाँ पसरा सन्नाटा कई सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब जल्द ही सबको मिल सकता है। टीम खबर अपडेट।